नमस्कार दोस्तों, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था माइक्रोमैक्स से रिलेटेड, उसमें मैंने आपको बताया था कि कंप्लेंट मैंने डाली और फिर उन्होंने मोबाइल सबमिट करने को मुझसे बोला और ये सब मैंने मना कर दिया था। और यूट्यूब पे आपको इन्फॉर्म भी किया था कि मैं क्यों मोबाइल 2 महीने के लिए आपको दूं। भाई, आप बैटरी मंगवाइए और मुझे कॉल कीजिए और मैं आपको आके ठीक करा लूँगा। सिंपल सा मेथड है, इसमें इतना प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत है कि 2 महीने में आपके पास मोबाइल रखूँ। और वो है, और इसके बावत मैंने मेल भी करा कंपनी को, हालांकि सर्विस सेंटर वाले नहीं मान रहे थे, जो टेलीकॉम सर्विस सेंटर वाले हैं। तो इसके लिए फिर मैंने मेल करी और उस मेल में का मेरे पास रिप्लाई आया, हालांकि महीना भर लिया। फिर उन्होंने इस बात को माना कि ठीक है, आप मोबाइल सबमिट मत करिए और जो आपका जब आपकी बैटरी आएगी आपको कॉल कर दिया जाएगा। और हालांकि 1.5 महीने लग गए उस बात को, कल 14 मई को मेरे पास फिर कॉल आई कि आपकी बैटरी आ गई है और आप आके इसको चेंज करा लें। और 14 मई को फिर मैं गया हूँ उनके पास और उन्होंने मेरी बैटरी चेंज कर दी, क्योंकि मेरा जो सेट था वो विद इन वारंटी पीरियड था, तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करी है। और इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ माइक्रोमैक्स कंपनी का कि उन्होंने मेरे मेल को समझा, मेरी बात को समझा और कहीं ना कहीं जेन्यून लगा और इसलिए मुझे ये सर्विस दी। और हालांकि मैं चाहूँगा कि आप इस अगर आप इस वीडियो को आपके कंपनी का कोई इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं चाहूँगा कि देखिए, मेड इन इंडिया के नाम पे अगर आप किसी कंपनी को प्रमोट करते हैं तो आपको फाइट करने के लिए सर्विस अच्छी देनी पड़ेगी। और देखिए, 1.5 महीने में अगर एक बैटरी चेंज होती है तो आप कंपटीशन में स्टे करना बड़ा मुश्किल है। तो सर्विस आपको प्रॉम्प्ट चाहिए, आपके लोग प्रोफेशनल होने चाहिए बात करने में, अपने काम को करने में, जो कि मुझे वहाँ नहीं लगा। देवर वेली रूड, मुझे बड़ा रूडली उन्होंने बोला, नहीं जी ऐसा नहीं है, ऐसे कंपनी की पॉलिसी है और जो भी है। तो एक कोई ना कहीं मुझे लगता है कि आप किसी भी सर्विस सेंटर को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं या उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कम से कम प्रोफेशनल ट्रेनिंग उन्हें दे कि आप किसी कस्टमर से बात कैसे करें, उन्हें अप्रोच कैसे करें, कैसे प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं लैग करता है और जो कि आपकी कंपनी की ग्रोथ में कहीं ना कहीं बट्टा लगाता है। और मैं चाहूँगा, दिल से चाहूँगा कि जो मेड इन इंडिया की कोई भी कंपनी है वो आगे बढ़े और मैं भी उसको फॉलो करूँ। और इसीलिए मैंने माइक्रोमैक्स लिया था, ऐसा नहीं था कि मैं और कोई मोबाइल नहीं ले सकता था, जस्ट फॉर अ सेंसेशन की नहीं भाई, मेड इन इंडिया है, यहाँ का है, मुझे उसे प्रमोट करना है। लेकिन बड़ा दुख होता है जब वो सर्विस नहीं दे पाते, क्वालिटी नहीं दे पाते और हमें बुरा भला कहना पड़ता है, और ये फैक्ट है। तो इंडियंस आपके साथ हैं, भारतीय आपके साथ हैं, लेकिन उसको सर्विस तो दीजिए, आप चीज़ें तो दीजिए, टाइम पे उन्हें सेटिस्फाई तो दीजिए, प्रोफेशनल अप्रोच तो रखिए। देखिए, चीज़ें होंगी, कंपटीशन में रहने के लिए इन सब चीज़ों को करना पड़ेगा। तो एट द एंड मैं कहूँगा, ठीक है, मेरा काम आपने कर दिया, बैटरी भिजवा दी फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी पीरियड में, उसको माना, मेरी बात भी मानी आपने कि ठीक है, आप मोबाइल सबमिट मत करिए। और मैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और थैंक यू हूँ कि चलिए आपने सुना मेरी बात को, कस्टमर केयर को। बस लेकिन रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा बेटर करिए टू स्टे इन कंपटीशन। थैंक यू। और मैंने इससे पहले जो मोबाइल डाला, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कि मैंने जो भी बात करी है वो किस रेफरेंस में करी है, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।